तो ये मेरा फर्स्ट वॉइस वाला वीडियो है और फर्स्ट टाइम है, फट तो रहा है पर करना तो पड़ेगा यार। रिक्वेस्ट बहुत सारे आए थे, कमेंट भी आए थे, बहुत सारे कमेंट में ये भी बोला गया था कि तमिल में बोलो यार, तमिल तमिल यूज़ तमिल तमिल ही। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे पर मुझे तो नहीं आता, इसीलिए मैं तो हिंदी में ही बोलूँगा। सो सॉरी फॉर दिस। सो आज का जो वीडियो है थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि आज मैं रिस्पेक्ट वाला वीडियो नहीं देने वाला। आज मैं दूंगा कमेंट्स का रिव्यू, यानी कि कुछ लेजेंड्स हैं जो कि कमेंट्स करते हैं, बहुत ही फनी रहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनमें से ही दो तीन ऐसे कमेंट्स को मैं रिव्यू करने वाला हूँ, तो आपको भी मज़ा आएगा और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, दो तीन फनी वीडियोज़ भी दूँगा ताकि आपको मज़ा आए। इस आंटी की तरह मत डरो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये वाला जो पोस्ट दिया था मैंने, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था। यहाँ पर जो लास्ट वाला कार्ड है, ओनली ग्रिल वाला कार्ड के ऊपर बहुत लोगों ने फनी सा कमेंट किया, बहुत ही फन लगा मुझे। और आप देख सकते हैं 404 कमेंट्स है, अब शायद बढ़ चुकी है, देखना पड़ेगा। चल छोड़ो और कॉमेंट्स में ध्यान देते हैं। चलो ये वाला कमेंट मुझे टैपर 5749 नाम के बंदे ने दिया। आई थिंक इन 2050 दे विल लेट अस गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ जेल। ये जो बंदा है बिल्कुल सही बोला है, ये बंदा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखो ग्रिल 2050 में ग्रिल ओनली ग्रिल BMW ओनली ग्रिल देगा, तो ऑब्वियसली हमें तो जेल वाला ही फीलिंग आएगा ना। तो चलो चलते अगले कमेंट में, वो भी इसी पोस्ट के ऊपर ही है। तो ये वाला कमेंट लिखा है तेज वॉल्ट पबजी ने, मे बी वी कैन रोल ऑन अ पाइप लोल। ये बंदा जो कहना चाहता है वो मे बी वी कैन रोल ऑन अ पाइप, मतलब एक पाइप के ऊपर हम रोल करेंगे यार। नाइस, तुमने थोड़ा गलत बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर पाइप तो है पर व्हील्स भी है, तो पाइप्स पर हम क्यों रोल करेंगे, है ना। सो अच्छा लगा ये कमेंट पढ़ के, और भी बहुत सारे कमेंट ज़रूर देना। और चलो चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे। तो ये वाला जो पोस्ट है, सेम रिस्पांस आया है, 177 कमेंट्स एंड 26K लाइक्स, बहुत ही अच्छा लगता है यार। तो देखते हैं कमेंट्स कैसा आया है। तो ये लाइट गेमिंग वाला बंदा क्या कमेंट किया, देखो 15-year-old मी विशिंग दैट माई फादर कम होम लेट सो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, मतलब एक अलग ही लेवल पे है यार ये। तो मेरे पोस्ट का क्या सब्जेक्ट था कि जब हम छोटे होते हैं तब हमारे पास तो फ़ोन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कब हमारे पापा आएंगे और हम पापा के फ़ोन में गेम खेलेंगे, वो टेम्पल रन हो सकता है, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह वगैरह। तो ये बंदा तो कुछ और ही सोचता है यार, मतलब मज़ा ही आ गया पढ़ने में। वो लाइट गेमिंग बंदे के कमेंट में एक बंदा कमेंट किया है, नाम है शुभम शाहो, गंदी सोच, मतलब सोचो यार, ऑब्वियसली क्या ही सोचेंगे लोग, ये भी वही सोच रहा है यार। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पोस्ट पे, आखिरी पोस्ट है और कुछ फनी कमेंट्स भी है, पढ़ेंगे। और लास्ट में मैं एक बंदे के बारे में बताऊंगा जो मेरी ही वीडियो चोरी करता है, ठीक है, पूरा कॉपी पेस्ट, सिर्फ म्यूज़िक को बदल देता है। मैं दिखाऊंगा उसका चैनल, और ये आपके ऊपर है कि आप कुछ उसे सपोर्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि देखो यार वीडियो बनाने में ना स्ट्रगल होता है, ठीक है, बहुत ही मेहनत लगता है, वो शॉर्ट्स हो या लॉन्ग वीडियो एडिट तो करना पड़ता ही है। और उस बंदे ने एक और चैनल से चोरी किया है, आप उस बंदे के चैनल में देख लेना, बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइबर है उस चैनल का, रिस्पेक्ट वीडियो इसी देता है, तो वो भी इंडियन ही है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं आखिरी पोस्ट पे, देखेंगे क्या कमेंट्स आए हैं। तो ये रहा वो आखिरी पोस्ट, मतलब ये पोस्ट ना बहुत ही अच्छा गया था, जैसे कि आप खुद ही देख लो, 119 कमेंट्स और 23,000
लाइक्स हैं तो अच्छा ही तो होगा ना। तो कमेंट्स तो लेजेंडरी है, चलो देखते हैं। तो ये वाला जो कमेंट है वो भेजा है शिखार जैन ने, दैट्स अ ह्यूज रिलेशनशिप। सच में यार देखो, शिप का साइज देखा है, शिप का नाम है रिलेशन, तो ऑब्वियसली तुम एक रिलेशनशिप में ही तो हो ना, वो भी लार्ज वाला, एक्स्ट्रा लार्ज है भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। तो ये वाला जो बंदा है कमेंट किया, इस बंदे का नाम मैं नहीं लूँगा, आप खुद ही देख लीजिए, यूनिक सा नाम है। तो बंदे ने क्या लिखा, स्टे अलर्ट और एल्स योर रिलेशनशिप विल सिंक लाइक टाइटेनिक। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा जो रिलेशनशिप है ना वो टाइटेनिक की तरह डूब जाएगा। मतलब सोच है, वाह क्या ही बताओ यार। मतलब सच में यार, तुम लोग जो टाइम देते हो ना मेरे पोस्ट पे, इससे बहुत ही मोटिवेट होता हूँ मैं। सो ऐसे ही कमेंट्स देते रहो, मुझे मोटिवेट करते रहो। और क्या, नेक्स्ट कमेंट पे जाते हैं। तो ये जो कमेंट है वो लिखा है प्रिंस नॉन चैलेंट ने। तो लिखा है ये कि एक्स कॉल्स आई वांट यू बैक। मतलब मैं तुम्हें फिर से चाहता हूँ, ठीक है। तो मी मतलब ये बंदा या फिर मैं जो भी कहे आप, कह रहा है ये कि सॉरी आई एम अबाउट टू टेक अ सेल इन माई न्यू रिलेशनशिप। मतलब समझ रहे हो कि सॉरी बोल रहा है बंदा उसके ईएक्स को, क्योंकि वो एक नया रिलेशनशिप में है। सो ट्रैवल कर रहा है वो शिप में, बहुत बड़ा शिप है, तो ऑब्वियसली वो क्यों जाएगा ना एक्स के पास। तो देखते हैं अगला कमेंट क्या है। सो ये वाला जो कमेंट है वो मैंने देखा नहीं ठीक से कि किस पोस्ट में दिया है भाई इस बंदे ने। नाम है अंश पर्दी। तो लिखा है क्या देखो, कॉमेडी। मतलब कॉमेडी तो है पर ठीक कॉमेडी नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक या जानबूझकर दिया है मुझे नहीं पता, पर हंसी आई थी मुझे। इस बंदे का कमेंट पढ़ के ना मुझे एक बच्चे की याद आ गई, जो आप देख ही लीजिए। तो मुझे तो लगता है कि ये जो बंदा था वो कॉमेडी लिखकर भेजा था, ऐसा ही क्यूट कोई बच्चा होगा। ये हो सकता है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, और वैसे ही कमेंट करते रहो जैसे मेरे पोस्ट पर करते हो, इस वीडियो में भी कमेंट करना। और ये ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट, कंटेंट ज़रूर बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊंगा। और एक बंदे ने बोला था कि रोस्ट वीडियो बनाओ भाई। देखो रोस्ट वीडियो में ना स्ट्राइक्स का डर रहता है, ठीक है, तो परमिशन लेना पड़ता है उसके लिए। इन फ्यूचर मैं ज़रूर करूँगा, पर अब छोड़ो, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ना यूट्यूब पे, थोड़ा पुराना होने दो ना। देखो भाई मैं तो यूट्यूब छोड़ने नहीं वाला, और तुम लोगों के वजह से मैं आज हमारा आज 4 लाख सब्सक्राइबर्स का एक परिवार है हमारा, और इस परिवार में कोई कोई इंडियंस, ज़्यादातर तो इंडियंस ही है, और कुछ कुछ बंदा है जो फॉरेन कंट्रीज से होता है, उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है लॉन्ग वीडियोस पे। पर देखो मैं तुम लोगों के लिए ना रिस्पेक्ट वीडियो बनाता हूँ, और लॉन्ग वीडियो इंडियंस के लिए। ओके okay? सो कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में हिंदी समझते हैं, तो उन लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर चलो कमेंट में ज़रूर बताना कि अगला कंटेंट क्या डालूँ मैं। लॉन्ग वीडियोस में बहुत मेहनत लगता है, इस वीडियो में बहुत ही मेहनत लगा है, और ऑडियो में थोड़ा दिक्कत आ सकता है क्योंकि मेरे पास कोई स्पीकर माइक नहीं है। तो मैंने देखा है बहुत जगह पर दिक्कत आया है, पर ठीक है मैनेज तो करना ही होगा ना, माइक जब तक नहीं खरीद लेता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। ओए मोहित, पबजी खेलेगा क्या? हाँ भाई जरूर, तो जल्दी आ जा। भाई कैसे खेलूंगा यार, रिचार्ज खत्म है। तो तू बोला कैसे? हाँ मैं खेलूंगा। गलती हो गया भाई।